फ्रेंड्स, तो एसएससी सीजीएल की मैं लगातार सीरीज बना रहा हूँ और यह तीसरा पार्ट है और इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पक्का जो है, अगर पूरी सीरीज देख लेते हो तो आपके मैथ में बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। 25 में 23 से 24 आपका स्कोर आराम से आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सीरीज का शुरू करते हैं। दे रखा आपको a माइनस बी का 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 को कैसे लिखेंगे? 16 3 48, 2 50 50/3 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 बराबर में a प्लस बी का 14 सही 2/4। तो 14 97 98 होता है, 98 और 200 100 7 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो परसेंट 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, साथ ही इससे कर लिए तो 7a माइनस 7b और ये 3 है और ये 2 है, 3 दूनी 6 6a प्लस 6b। अब ये 7a माइनस का 6 है, 6b प्लस 7b, तो 7 में से 6 कटा लीजिए तो a आ जाएगा और 7 और 6 13 13b। तो a अपॉन b कितना हो गया आपका? 13/1। तो a और b में रेशियो कितना आ गया? 13/1 का। लेकिन आगे कहा गया और b a का x परसेंट है और b जो है वो a का x परसेंटेज है। तो b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 13 और x परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 100/13, क्योंकि 100 की गुणा इधर हो जाएगी तो 100/13 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि x का 169% बताइए, x का 169% क्या होगा? तो x की वैल्यू आ गई 100/13 का मतलब गुणा 169% हटाएंगे नीचे 100 है, 100 से 100 कैंसिल, 13 से 13 भाई 13 को 13 काटेंगे तो 169 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 13। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब हो गया 90 से छोटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो देखिए बस ये सवाल आप देखते ही समझ जाओ कि यहां पर थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है और थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है। तो देखिए जब 2 होता है, तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप क्वेश्चंस लगाते होंगे तो आपको भी अच्छे से आइडिया होगा, अगर नहीं आप लगा रहे हो पहली बार देख रहे हो तो अगर यहाँ पे 2 होता है तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसको 1 बनाना पड़ता है और इसको 1 बनाना पड़ता है। 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम लोग 45 पुट कर देंगे, थीटा 45 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1/1, तो ये 1 = 1। तो इसका मतलब थीटा जो है यहाँ पर 45 डिग्री रखने पर LHS बराबर क्या हो रहा है? RHS हो रहा है। 2 यहां हो रहा है 2 यहां हो रहा है। तो बस हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 45 डिग्री मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा फाइंड करना है। तो थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आराम से रख दीजिए, थीटा यहां पर 45 रख दीजिए, यहां पर 45 रख दीजिए, यहां 45 और यहां पर भी 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो cos sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 1/√2 की जगह कितना आ जाएगा? √2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 और यहां पे कितनी जाएगी? √2। तो इसको क्या लिखेंगे? √2 √2 2 2 में से बन गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा का मान बस पता चल गया, आराम से आप लगा सकते। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है कि a² + b² + c² + 276 में आपको दे रखा है 4 2a + 4b - 7c। देखिए मैंने आपसे कहा था जब आपके पास ऐसी सेम क्वेश्चन हो, एक ही क्वेश्चन हो और तीन वेरिएबल दे हो, तो आपको क्या करना होता है कि बस आप गुणा करते चले जाइए, खुद ही सेट हो जाएगा क्वेश्चन। a² + b² + c² + 276 और इक्वल में मार दीजिए गुणा, 4 2 8 है, 4 4 16 और 7 4 28 28 सी। अब a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ, तो a² - 8 है, ठीक है, b² और ये 16 b इधर आएगा तो -16 b हो जाएगा
और सी स्क्वायर और प्लस का 28 सी और ये हो जाएगा 276 बराबर में जीरो। अब देखिए हमने कल एक कल अगर आपने वीडियो देखा मैंने उसमें बहुत एक्सप्लेन किया है कि आपको यहां पर ये स्क्वायर देख के कहीं ना कहीं पावर बनानी होती है। देखो ये ए स्क्वायर है और ये ए डी है तो ए डी कहां से आया होगा जब दो गुणा फोर ए हुआ होगा, दो गुणा फोर ए हुआ होगा तभी आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि देखो यहां पे क्या है आठ टूटा होगा तो दो तो टू ए बी वाला होता है तो दो ये हो गया चार ए, तो चार लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार लाने के लिए यहाँ पे चार का चार जोड़ना पड़ेगा, चार का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 16 लिखेंगे, 16 जोड़ देंगे तभी यहाँ पाएगा क्योंकि ये बन जाएगा आपका a माइनस फोर का होल स्क्वायर, तभी चार दूनी आठ यहाँ पाएगा। ऐसे ही देखिए बी स्क्वायर 16, 16 भी है तो इसका मतलब दो गुणा आठ में टूटेगा ये, तो आठ का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका मतलब हमें 64 जोड़ना पड़ेगा और प्लस आपका ये सी 28 है तो 2 गुणा 14 तो सी स्क्वायर प्लस 28 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब देखो 196 प्लस 64 और प्लस 16 इसको जोड़ोगे तो ये किसके बराबर निकलेगा 276 के बराबर निकलेगा, इसीलिए 276 आपको दिया गया है कि आप इसको आसानी से तोड़ पाओ। अब देखो कितना आसान हो गया, ये हो गया आपका b माइनस 4 का होल स्क्वायर नहीं b माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया आपका c प्लस 14 का होल स्क्वायर, बस बराबर में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर आपसे अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू प्लस का 8 आ गई और c की वैल्यू माइनस का 14 आ गई, बस अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि रूट में 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताना, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 तो रख दो 16, बी की वैल्यू कितनी 8 64, सी की वैल्यू कितनी है 14 तो 196 हटा दो। अब इसको जोड़ लो 64 और 16 कितने होते हैं 80 होते हैं और 80 इसमें जोड़ देंगे तो 4 यहां जुड़ जाएगा तो 276 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 276। अब 276 को आप ब्रेक कर लीजिए, 3 से काट लें 3 ने 27 और 3 दूनी 6 92 गुणा 3 और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 23 गुणा 4 इंटू 3 तो 2 3 है 1 3 बाहर आ गया और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया और 23 का वर्गमूल होता नहीं है तो इसको ऐसे लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 6√23, आंसर कितना हो जाएगा 6√23। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x, ठीक है तो वही कंडीशन है कि दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन है तो क्या करो जो कर सकते हो आप पास में ला सकते हो ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0, x का मान यहां से 1 आ गया और y का मान यहां पे 0 आ गया क्योंकि x का मान प्लस का 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0 बनेगा और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे मान हो गए x बराबर 1 हो गया और y बराबर 0। आपसे पूछा क्या क्या है कि x क्यूब प्लस y की पावर 5 तो x का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, y का मान 0 है तो 0, आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू और पी क्यू आर और आर क्यू एक आंतरिक कोण समद्विभाजक है, पी क्यू आर पी क्यू आर समद्विभाजक मतलब, समद्विभाजक मतलब होता है समान दो हिस्सों में विभाजित हो जाना, बिंदु x पर मिलते हैं तो x पर मिला दीजिए, दे रखा है आपको PQR PQR और PRQ PRQ ये समद्विभाजक है और कहां मिल रहे हैं बिंदु x पर मिल रहे हैं, QPR QPR ये कितना है 100 डिग्री है, आपको फाइंड करना है XQR ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, अब बच्चे इसका आंसर लिख देंगे 200 डिग्री, कितना लिख देंगे 200 डिग्री,
क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। वो कब होगा, जब आप सर्किल होगा और ये सकल होगी, क्योंकि ये परिधि है इसकी, तब यहां पे मान लीजिए अगर 100 डिग्री दे रखा है तो आप इसका आंसर 200 डिग्री दे सकते हो, ये सही है बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, ये त्रिभुज है और ये जो बना है वो इसके अर्धक से बना है, मतलब आधे आधे से, तो इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कोण निकालने की ट्रिक है 90 प्लस कोण ए का आधा, 90 प्लस कोण ए का आधा मतलब 90 प्लस 100 का आधा 50, 90 और 50 कितना होगा 140 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। बहुत लोग यही लगा के आते हैं, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब 100 होगा तो 200 करिएगा, लेकिन सर्किल होना जरूरी है और इसका केंद्र होना भी जरूरी है, केंद्र होगा तब ऐसा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दे रखा है कि एक्स स्क्वायर रूट में 2 साइन 45 साइन 135 प्लस कॉस 720 और टेन 135, ये हमें निकालना है। तो साइन 135 की वैल्यू डायरेक्ट तो हमको याद नहीं है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, ठीक है, साइन 90 प्लस 45, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, तो कॉस 45 हो जाएगा और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम लोग यहां डाल देंगे √2 × 1/√2 से √2 कट गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस। अब हम लोग निकालेंगे कॉस 720 की वैल्यू, कॉस 720, 720 को लिख सकते हैं 360 गुणा 2 प्लस 0 डिग्री, क्योंकि 36/72 होता है, 360 में 360 डिग्री जब बेस होता है तो ये कॉस कॉस में ही रहता है और 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 लिख लीजिए यहां पे। अब tan 135 की बात करें तो tan 135 निकाल लीजिए, tan 135 वो कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, तो 90 है, 90 में tan चेंज हो जाएगा, cot में चेंज होगा और ये 135 में जा रहा है तो ये माइनस में भी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस 1 यहां रख दो, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1, आंसर कितना हो जाएगा 1। अच्छा x स्क्वायर आपको निकालना है, x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर फिर भी क्या हो जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x स्क्वायर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक त्रिभुज आपको दे रखा है PQR, एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR, इसमें क्या है कि कोणों का जो है वो आपको अनुपात दे रखा है कि 6 कोण P, मतलब 6 P बराबर किसके है 3Q के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P अपॉन Q बराबर हो जाएगा आपका 1/2, 3/6 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 1/2, और फिर दे रखा है आपको 3Q किसके बराबर है 2R के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q अपॉन R कितना हो जाएगा आपका 2/3, तो इसमें रेशियो बराबर करना आसान है क्योंकि क्यू यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है पी क्यू और आर इसका रेशियो कितना है 1:2:3, 1:2:3, इसको हटा दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, तो 3, 2, 5 और 1, 6 किसके बराबर है 180 के, तो 6 × 3 = 18, तो 30 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा पूछा गया है कि कोण पी ए सब, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर कोण पी, कोण पी कितना है आपका 30 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, क्यू है आपका 60 डिग्री, प्लस फिर पूछा गया है अपना कॉर्ड स्क्वायर आर, आर की वैल्यू कितनी है पास 90 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगी 1/4, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2 होती है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/4। अच्छा कॉर्ड 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉर्ड 90 की वैल्यू ऐसे निकाल दीजिए आप, कॉस 90/sin90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और ये तो 0 हो जाएगी, 1/4 54 कितनी हो जाएगी 58, तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको खाली रेशियो मेंटेन करने आराम से आते। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको दे रखा है कि साइन 2α + β बराबर दे रखा है आपको 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप लगा सकते हो। साइन की वैल्यू सोचो, 1 कहां पे होती है, तो साइन की वैल्यू जो है 1 कहां पे होती है, तो साइन 90 डिग्री पे होती है। कहां पे होती है, साइन 90 डिग्री। तुलना कराने पे साइन से साइन कैंसिल, 2α + β बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री, आराम से आप निकाल सकते हो। इसको हटाइए, वैल्यू हमें मिल गई। अब दे रखा है साइन अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा है 1/2। अब 1/2 दे रखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को क्या ले सकते हैं, साइन 30 भी ले सकते हैं। तुलना कराने पे साइन से साइन कैंसिल, α - 2β बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। बस आराम से सॉल्व कर लो, इक्वेशन को बराबर कर लीजिए। इसको यहां इसको क्या कर लेते हैं, क्या पूछा गया आपसे, α + β। ठीक है, तो यहां पे दुगना कर ले रहे हैं, तो ये 4α हो जाएगा और ये 2β हो जाएगा, और यहां पे 180 हो जाएगा। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पे आपके ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5α 80 और 30 210 होते हैं, अल्फा पर 5 × 20 1 × 42 अल्फा कितना आ जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। 42 डिग्री यहां रख देंगे, तो 42 - 2β बराबर 30, तो 42 - 30 बराबर 2β, और 42 में से 30 गया 12, 2β, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 6। आपसे पूछा गया क्या है, α + β 42 + 6 कितना हो जाएगा 48। कुछ चीजें आप लोग ओरल लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मजबूरी है एक एक चीज सॉल्व करके करानी है, और टाइम कम होता है, तो कुछ चीजें जैसे यहां पे आप थोड़ा ओरल करना चाहो तो कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे, पहली 15 विषम संख्याओं का औसत, पहली 15 सम संख्याओं के औसत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली 15 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहली 15 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, देखो पहली होगी आपकी 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे करके लास्ट कौन सी होगी, 29 होगी, क्योंकि पहली तीसरी पांचवी अगर आप ढूंढोगे तो 1 से 30 तक क्या होगी, 15 आपकी विषम होगी और 15 आपकी सम होगी, तो विषम हम लोग को मिलेगी पहली और 29, ये 15वीं संख्या होगी और ये पहली संख्या होती है। तो जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान होता है, भाई सब में दो दो का अंतर आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो। प्रथम पद है आपका 1, अंतिम पद है 29/2, मतलब 30/2 हम कह सकते हैं कि कितना आएगा औसत, 15 आएगा। औसत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया, 15 आ गया। अब सम का निकाल लेते, तो पहली संख्या आपकी 2 होगी और लास्ट में संख्या कौन सी होगी, 30। लास्ट की संख्या कौन सी होगी, 30 होगी, तो इन दोनों का जोड़ प्लस 32 और 16। देखिए विषम पदों का आया 15 और उसका आया 16, पहली 15 संख्याओं के औसत से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो कितना है 1, कितना है भाई, उसका 15 आया था और इसका 16, उसका औसत आया था विषम का 15 और इसका आया 16, तो कितना कम है, 1 कम है कितने, 16 से। काटा पीटी, 4 × 16 = 4×5=20, काटेंगे 6.25 आ जाए, तो हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 240, तो रविवार में कितने लोग आ रहे हैं, रविवार में आ रहे हैं 510 लोग, और बाकी दिनों में नॉर्मल दिनों में क्या है, मान लीजिए सोमवार से लेकर शनिवार तक आ रहे हैं 240। अब देखते हैं शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुक की औसत संख्या क्या होगी। शनिवार से महीना शुरू हो रहा है, मतलब पहली तारीख को शनिवार होगा, दूसरी तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, दूसरी को रविवार होगा, फिर 9 तारीख को रविवार होगा, फिर 16 तारीख को रविवार होगा, फिर 23 को रविवार होगा, और फिर 30 तारीख को भी रविवार होगा। मतलब कुल मिला के आप देखें तो 5 रविवार आपको देखने को मिलेंगे इसमें, क्योंकि रविवार जो है वो रविवार में औसतन 510 लोग आते हैं, तो 510 की गुणा करिए 5 से, 0, 5, 5, 25, मतलब 2550 लोग आते होंगे रविवार को, 5 रविवार में, बाकी के 25 दिन बचे क्योंकि महीना 30 का है, बाकी में आते होंगे 240, तो 0, 25 चौका 100, 80 लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60,
तो टोटल कितने अंतर आ गए 8,550 लोग। इतने एक महीने में आगंतुक मतलब होते हैं मेहमान या आने वाले लोग, उनको आगंतुक बोलते हैं। औसत निकालना है तो फिर 30 से आप भाग कर दीजिए, 3 × 2 = 6 कितना बचा 2, 25 × 3 = 24 एक बचा, 3 × 5 = 15 तो कितने लोग आएंगे 285 लोग। 285 लोग जो है वो आपके एवरेज हर महीने पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है आपको 4 × 4/20 तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 × 20 = 24/5 परसेंटेज है तो नीचे क्या कर लीजिए 1/100 कर लीजिए। और ऑफ का मतलब होता है का, तो सबसे पहले का को लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500/48। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 25 × 24 × 2 = 48 तो इस पूरे की वैल्यू कितनी बनी 5/2 5/2 लिख लेंगे हम लोग 5/2 फिर मल्टीप्लाई दे रखा है तो 3 × 5 = 15 और 1 16/5 प्लस 5 × 20 और 3 = 23/4 और भाग लगा है 5 × 20 और 3 = 23 23/5 मल्टीप्लाई 5 × 5 और 3 8/5 ठीक है। सब अब क्या करेंगे, बोर्ड मास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड मास का रूल, तो सबसे ज्यादा पहले क्या करेंगे जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो सीधे हाथ वाली संख्या जो है वो पलट जाएगी। ऐसे ऐसे रख के देख लेना सीधे हाथ की संख्या कौन सी है, तो ये तो पलट जाएगी, मल्टीप्लाई लगा रहे हैं और ये 23/5 है तो इसको लिख देंगे 5/23। अब देखो सब कुछ जो गुणा में है ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो, 23 से 23 कट रहा है काट दो, 5 से 5 कट रहा है 4 × 2 = 8 तो ये 2 हो गया, और इधर 5 से 5 कट रहा है 2 × 8 = 16 तो 8 ये आ गया और प्लस का 2 ये, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। शुरुआत क्या ध्यान रखना है कि आप जो ऑफ लिखा है, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और का सबसे पहले सॉल्व होता है क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या है कि BODMAS ब्रैकेट ऑफ का मतलब ये का टी के ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमेशा इसके अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दे रखा है यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो पता नहीं है आपको। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड ए है और व्यक्ति की स्पीड जो है वो कितनी देर की आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसे कितनी देर में पार कर रही है 6 सेकंड में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लगा सकते। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, विपरीत आ रहा है, विपरीत में चालें जुड़ जाती है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है तो वो व्यक्ति क्या करे केवल ट्रेन को पार कर ले बस, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर और चाल ट्रेन की तो पता नहीं है, और जो व्यक्ति है उसकी चाल कितनी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितने समय में पार कर रही है 6 सेकंड में। आपसे पूछा गया है कि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है आपको, तो a प्लस 5 इधर ले लें तो ये हो जाएगा 100/6। अब ये देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में, ठीक है। आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को जब हम लोग किलोमीटर में बनाते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, किससे 18/5 से, तो 6 × 3 = 18 5 × 2 = 10 तो कितना आ जाएगा 20 × 3 = 60 तो a प्लस 5 = 60 और 5 उधर चला गया तो a बराबर कितना आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/8, मतलब जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है 7/8, मतलब i/b कितना है आपका 7/8, मतलब 8 रुपए आपने बैंक में जमा करे और आपको 7 रुपए जो है ब्याज में मिल गए,
और ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर पीआरटी अपॉन 100, I बराबर पीआरटी अपॉन 100। अब I आपका कितना है 7 और P कितना है आपका 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं और टाइम कितना है 5 साल का बटे 100, 5 दूनी 10 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 35/2, या इसको ले सकते हैं 17.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 20% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता और उसे 10% लाभ पर प्राप्त होता हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया, आप जाके देख लीजिएगा, और ये भी इस वीडियो में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो क्रय मूल्य होता है कम या अधिक इंटू 100, और यहां पे क्या लिखते हैं चुंबक। चुंबक का मतलब होता है अगर एक बार घाटा हो रहा हो और एक बार लाभ हो रहा है तो ये जुड़ जाता है। तो कम या अधिक कितना है 12 × 100 चुंबक। चुंबक का मतलब हो गया 20% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है, एक बार हानि एक बार लाभ है तो जुड़ जाएगा। जोड़ लीजिए 3 × 12 तो कितना आ जाएगा 40। 40 रुपए जो है वो उसका क्रय मूल्य है। काफी बार पूछा जाता है तो इसलिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो आप ये याद रखना कि जो 20 और 10 ये इसकी 30% की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। ये शॉर्टकट भी मार सकते हो, आराम से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5 साल पहले अरुण और रतुल की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो अरुण और रतुल की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो औसत देखा आपने, दो लोग हैं तो तुरंत 2 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 40। अब 5 साल पूर्व की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे तो वर्तमान में आएंगे, तो अरुण की भी 5 साल एज बढ़ेगी और अतुल की भी 5 साल एज बढ़ेगी। इसका मतलब दोनों लोग अगर वर्तमान में कितने साल के हैं, 50 साल के हैं। फिर दे रखा है रतुल अरुण से 10 वर्ष छोटा है। रतुल जो है अरुण से 10 वर्ष छोटा है, तो मतलब अरुण से अगर हम लोग रतुल को घटा देंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा 10 साल का, और यहां पे प्लस लगा दिए क्योंकि अरुण और रतुल की जो एज है वो 50 साल है, तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये अरुण दो अरुण हो जाएंगे और 50 और 10 60, तो अरुण की एज कितनी आ जाएगी 30 साल। अगर ये 30 साल आ गए तो रतुल कितने के आ जाएंगे 20 साल के, 30 और 20। फिर दे रखा है कि अरुण रतुल और पीकू की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। अब अरुण रतुल और पीकू मतलब अरुण भी आ गए, रतुल भी आ गए और पीकू भी आ गए, इनकी वर्तमान आयु दे रखी है आपको 35 वर्ष, तो तीन लोग हैं तो 35 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 105, और अरुण और ये रतुल जो है ये 50 साल के हैं प्लस पीकू, तो 105 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55, तो पीकू कितने साल के हो जाएंगे 55 के। अब आपसे ये कहा गया है कि 12 वर्ष बाद पीकू और अरुण की आयु में अनुपात क्या होगा 12 वर्ष बाद, तो अरुण 30 के हैं 12 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे 42 के हो जाएंगे, और पीको कितने के हो जाएंगे 55 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 67, तो पहले किसका नाम दे रखा है पीको का, तो पीको हो जाएंगे 67 के और ये 42 के, तो अगर ये कट भी रहा है 67 और 42, अच्छा नहीं कट रहा 7 6 13 तो नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 मिमी व्यास का एक कार बनाया गया। ये क्वेश्चन लेने का मेरा मेन पर्पस ये था कि इसमें मिलीमीटर दे रखा है और काफी लोग को मिलीमीटर से मीटर बदलने में नहीं आता है, काफी दिक्कत होती है उनको, तो आज टेबल हम बता दे रहे हैं आपको सीख लीजिएगा। देखिए पहले देखिए किलोमीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर आपको डेकामीटर, फिर यहाँ पे मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ध्यान कैसे रखना है, तो मीटर को बीच में लिखना है, ठीक है, मीटर बीच में 3 इधर और 3 इधर, डेका में ए इधर आता है तो पहले ये लिखा जाएगा और डीसी में आई आता है क्योंकि दोनों के स्पेलिंग है बहुत ज्यादा सेम। और ट्रिक क्या है कि कुलदीप को मिली मिल गई, इस टाइप से आप कर लेना। और हम लोग जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो गुणा होंगी, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 10 से यहां गुणा करो, तो 10 और 10 = 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर।
अगर आपसे पूछा जाए कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो गुणा 10 यहां पे, तो कितनी बार चलना पड़ा हम लोग को मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए मीटर से, एक बार एक 10 यहां मिला, एक 10 यहां मिला, एक 10 यहां, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, तो एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। या इसका उल्टा कहें कि एक मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो एक मिलीमीटर बना लो तो 1000 नीचे चला जाएगा, 1/1000 एक मिलीमीटर में। अब ये आपको अगर बेसिक पता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को पिघलाकर, तो गोले को जब हम लोग किसी भी चीज मेटल को पिघलाते हैं तो उसका आयतन चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3πr³। और फिर आपको बनाया गया 3 मिमी व्यास के एक तार है, तार का जो आकार होता है वो एक सिलेंडर की तरह होता है, बेलन की तरह होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr², ध्यान रखना इसमें आर हमने बड़ा लिया है, इसमें आर छोटा लिया है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3। अब दे रखा है इसमें 8 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास को जब 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को त्रिज्या मिलेगी, तो 2 से भाग कर दो, कितनी बार 3 बार, मतलब 4 सीधा ले दो, 4 × 4 × 4, ठीक है। लेकिन ये किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, पूछा किसमें गया आपसे, मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी। अब त्रिज्या जो दे रखी है आपको 3 मिमी व्यास, अब 3 मिमी का मतलब हो गया 3/2, 3/2, और हम लोग को मिलीमीटर से जाना है कहां पे, मीटर में, तो मिलीमीटर में यहां से इधर जाना है, तो 1, 2, 3, मतलब 1000 से भाग करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी, क्योंकि आर की पावर 2 बार है तो इसलिए 2 बार भाग होगा, 1000 × 1000, और एच आपको लंबाई निकालनी है, तो देखो 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6 जीरो इधर भी है और 6 जीरो इधर भी है, तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा कर लो, और तो कुछ आमने सामने तो कट नहीं रहा है, तो फिर आपको गुणा करनी पड़ेगी, 4 × 16, 16 × 64, 64 × 256, 256 की 2 से करेंगे 512 आएगा, 512 की 2 से करेंगे तो 1024 आएगा, फिर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 1024 को 27 से भाग करेंगे तो ये हमारी क्या निकल आएगी, हाइट। या और अगर इसमें शॉर्ट दे रखा है तो 27 से आप भाग भी कर दो तो भी आप निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, एबीसी है, केंद्र ओ वाले वृत्त में अंकित है, एक इसका केंद्र जो है वो ओ है, डी लघु चाप बीसी पर एक बिंदु है। देखो लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है, इसमें बड़े कंफ्यूजन होते हैं, लघु चाप जो है वो छोटा बनता है इस टाइप से, इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप, लघु चाप आपका ये होता है, ठीक है, यहां पर जो बनेगा यह बहुत छोटा सा बनाया जाता है उसको लघु चाप कहते हैं। डी लघु चाप बीसी पर एक बिंदु है, यहां पर मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डी और बीसी पर ये मिलना है। फिर दे रखा है सीबीडी आपको 40 डिग्री, सीबीडी ये 40 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि बीसीडी बताना है, बीसीडी तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना, तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको कि एक ही एंगल दे रखा है कैसे हम लोग निकालें इसको, तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको शुरू में दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज ही बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, अगर एक सर्किल है और उसके चारों कोने एक चतुर्भुज को टच कर रहे हैं, देखो एक कोना ये टच कर गया, एक कोना ये टच कर गया, एक कोना ये, तो ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो अगर ये लाइन को हम थोड़ी देर के लिए अगर छुपा ले तो ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल सेम बनेगी, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, तो ये 120 हो गया, ये 40 हो गया, 160, तो ये कितना रहेगा, 20 डिग्री, तो ये आंसर आपका रहा है कितना, 20 डिग्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान बस इसमें ये रखना था कि ये समबाहु है और समबाहु में कितना होता है, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट रखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 56 गुना, तो लघुत्तम को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है,
फिर दे रखा है कि उनके महत्तम संवर्त और लघुत्तम संवर्त का योग 1710 है, मतलब एलसीएम और एचसीएम का योग जो है वो 1710 है। तो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सॉल्व कर ले रहे हैं। एल वैल्यू 56H है, यहाँ पुट कर दो, 56H प्लस H बराबर 1710, 56 और 1 57H 1710, तो H बराबर क्या हो जाएगा 1710 बटे 57। तो देखो तीन बार आपको दिख रहा है, 7 × 21 तो तीन बार चला जाएगा, तो H कितना आ जाएगा 30। तो हमारा HCF जो है वो कितना आ गया, 30 आ गया है। H की वैल्यू यहां पुट कर दो 30, तो कितना आ जाएगा 3 × 18 = 3 × 15 = 16, 1680। एलसीएम कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा, और HCF आपके पास 30 आ चुका है। और आपको आगे दे रखा है कि यदि इनमें से एक संख्या 240 है, मतलब पहली संख्या आपको 240 दे रखी है और आपसे पूछी कौन सी है दूसरी संख्या। तो अगर आपने इसका बेसिक फार्मूला पढ़ा हो, वो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बस इसी को पुट कर देंगे आ जाएगा 1680 इंटू 30 इक्वल में 240, सेकेंड नंबर पता नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 8 = 24, 8 से 8 16, 8 × 1 8, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 210, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक अधूरी मीनार के शिखर का उंगलियन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक अधूरी मीनार है, मतलब ये इसका पॉइंट मान ले रहे हैं, मीनार टेढ़ी हो गई, फिर से सही करनी पड़ेगी। चलो ये यहां से दूरी कितनी है 78 मीटर, और उन्नयन कोण क्या होता है नीचे से ऊपर की अगर आप देखें तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और ये कैसी है अधूरी है। एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से, उसके आधार से कितनी दूरी है, आधार मतलब बेस 78 मीटर दूरी है। मीनार की ऊंचाई को कितना और बढ़ाया जाए, मतलब यहां पे इसकी कितना और बढ़ा दें हम, मान ले रहे कि एच बढ़ा दें, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो बढ़कर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उन्नयन कोण है नीचे से ऊपर की ओर देखिए, मतलब ये कोण जो है वो कितना हो जाए 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया कितना और बढ़ा दें, तो इतनी लंबाई हम मान ले रहे कि x, ठीक है। अगर आपका फिगर बन गया ऐसे क्वेश्चन में तो आप आराम से लगा लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि लाल बटे तख्ता होता है, तो लंब बटे आधार ये होता है आपका टेन के लिए, तो ये लंब है और ये आधार है, तो हमने इसके नाम दे दे रहे ये ए बी सी और डी। तो आप देखो कि त्रिभुज सी डी बी मतलब ये छोटू वाले में, इस वाले में, तो टेन 30 दे रखा है, टेन 30 बराबर लंब है एक्स और बेस कितना है 78, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 एक्स अपॉन 78, तो 78 इधर चला गया 78/√3, ये कट रहा है तो काट दो, √3 से इधर गुणा कर लो, तो 3 से काट लो, 3 × 2 = 6, 1 बचा 18 तो x बराबर कितना आ गया 26√3, तो मतलब ये कितना आ गया आपका 26√3, इसको हटा दो। अब हमें क्या निकालना है कि h निकालना है, तो tan 60 का मान ले लेंगे, tan 60 का मान होता है √3। अब ये पूरे लंब, क्योंकि बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं तो पूरी भुजा रहेगी h प्लस 26√3 और बटे 78, तो 78 की √3 से गुणा कर लीजिए, तो 78√3 और माइनस में ये आ जाएगा 26√3 और बराबर h, तो √3 एलसीएम चला गया, कॉमन चला गया, 8 × 6 = 2, 7 × 2 = 5, तो 52√3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आएगी 52√3। नेक्स्ट देखते हैं, आपको दे रखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 3 बराबर आपको 0 दे रखा है, आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy और प्लस करना है, ये आपको फाइंड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करेंगे, क्यूब भी करेंगे आ जाएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जब आपको दे रखा है कि 0, तो हम लोग x को 0 मान लें और y को क्या मान लें -3, बस प्रूव हो गया, क्योंकि -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 0 बराबर में क्या चल रहा है 0, तो RHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, तो x का टर्म क्या हो जाएगा 0, तो जहां x होगा वहां कोई मान नहीं होगा, तो केवल इतना सवाल आपका रह गया।
मतलब इतना केवल बचा है, पाई की वैल्यू में माइनस तीन रखा है तो माइनस तीन का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 18। बस आप बराबर में जो जीरो दिखता है ये आराम से प्रूव कर दो, चाहे आप पाई जीरो मान लो तो भी कोई बात, तब भी आ जाएगा, और चाहे एक्स माइनस तीन मान लो तो भी आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, और मैंने काफी सिलेक्ट किए थे अच्छे से, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाके आप दो प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो लगभग 25 या 75, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन हो गए हैं, और उम्मीद है कि ये 75 से 80 क्वेश्चन ही अगर आप देख लोगे तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहे, और सीजीएल की जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ये बेनिफिट होने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि अभी एक वीडियो रोज अपलोड कर पाऊं, फिर बाद में 2 से 3 वीडियो मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन मैथ के लिए है वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट से ले रहा हूँ, ऑनलाइन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नए ट्रेंड के वो सारे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए और पढ़ाई।